हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरके फास्ट ब्लॉग। दोस्तों आज की जो वीडियो है, हमारा ब्लॉग है, वो दोस्तों वो क्या है कि शूज से रिलेटेड ही होने वाला है, क्योंकि उसमें क्या है कि हमें ना आपको है ना उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जो कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं या इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको जो शूज़ मेकिंग में एडहेसिव लगने वाले हैं, या जैसे कह सकते हैं जो चीज़ से है ना उनको चिपकाया जाता है, या गोंद भी कह सकते हैं आप, जो एडहेसिव लगने वाले हैं, हम उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो बेसिकली दोस्तों हम आपको जनरली बता दें तो शू मेकिंग में है ना तीन प्रकार के एडहेसिव यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले दूध, दूसरा डल्लफ, तीसरा सुलोचन। और दोस्तों इसकी भी है ना अपनी अपनी रैंकिंग है। जैसे है ना सबसे पहले अगर हम लें जैसे कह गए दूध, तो आपने देखा होगा डबल चीता हो गया, या रेल का इंजन हो गया, बुलेट हो गई, या शेर का हो गया, डबल शेर का हो गया, शेरनी का हो गया। तो दोस्तों ये जो दूध है ये बेसिकली क्या है कि अपर बनाने के लिए यूज़ में लाया जाता है, क्योंकि इसका यूज़ है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अपर मेकिंग में ना तो आप डल्लफ लगा सकते हैं, ना आप सुलोचन लगा सकते हैं, क्योंकि डल्लफ क्या है कि डल्लफ ज़्यादा लगेगा और महंगा पड़ेगा, सुलोचन भी ज़्यादा लगेगा और महंगा पड़ेगा। तो क्या है कि दूध का ही यूज़ किया जाता है अपर मेकिंग में। उसके बाद आता है दोस्तों डल्लफ। दोस्तों वैसे कि वैसे तो हम है ना बजट प्लस यूज़ करते हैं, बाकी आप है ना ट्रिपल और अलग अलग नाम है जितने भी ब्रांड हैं। और जैसे ना ये सबसे अच्छा चल रहा है आजकल, जैसे हमारे पास बेस्ट डल्लफ है ये, और भी काफ़ी मार्केट में डल्लफ हैं जैसे बरगद का और किसी ब्रांड के, लेकिन ये बेस्ट है। दोस्तों इस डल्लफ का, जैसे डल्लफ जो कहते हैं हम उसे, जैसे है ना इसके क्या है कि इसका यूज़ जो होता है, जैसे ना आप है ना सटाव करेंगे, जैसे हमने बताया था आपको कि सटाव करने के लिए है ना, मतलब जो एक 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 जैसे ना कई टुकड़े होते हैं शूज़ में सिंथेटिक के, उसको जोड़ कर है ना अपर का तैयार किया जाता है अपर को। तो जैसे ना आप उनको जोड़ने के लिए डल्लफ का यूज़ किया जाता है, और दूध का यूज़ किया जाता है ईवा चिपकाने के लिए, शीट चिपकाने के लिए उसके ऊपर, सिंथेटिक के ऊपर कपड़ा चिपकाने के लिए, मतलब उसके ऊपर चिपकाने के लिए दूध का प्रयोग किया जाता है, और एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े के ऊपर चिपकाने के लिए सिंथेटिक का डल्लफ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये हो गया हमारा दूसरा एडहेसिव। और बात आती है तीसरे एडहेसिव की, जैसे जो है सुलोचन, जिसको है ना सुलोचन या प्यू भी कह देते हैं, लोकल भाषा में सुलोचन कहा जाता है, इसको है ना प्यू कह देते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आपने है ना मार्केट में देखे भी होंगे, जैसे बॉस्टिक का, बॉगनर और कई प्रकार के अलग अलग ब्रांड हैं जो मार्केट में सुलोचन बेचते हैं दोस्तों। लेकिन वैसे तो हमें ना बॉन स्टिक का यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा सुलोचन है। और जैसे है ना मैंने ना लगभग लगभग 8-10 साल तो है ना बॉस्टिक का यूज़ किया था, लेकिन बॉस्टिक का यूज़ करने के बाद उसका क्या है कि महंगा भी पड़ रहा था और काफ़ी पड़ रहा था। और उसके बाद मैंने इस प्यू को यूज़ किया जो एडहेसिव है, मतलब उसमें फिर भी मतलब शिकायत आ जाया करती थी कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें शिकायत कहीं पर भी नहीं है दोस्तों। बाकी आप जैसे ना इनके डीलर के नाम भी लोगे, या जैसे ना कॉन्टैक्ट नंबर भी लोगे, जैसे ना ये क्या है कि बल्क में पहुंचाते हैं अगर आप अदर स्टेट में मंगाते हैं, और यहीं पर मंगाएंगे तो ये खुद है आगरा से अगर आप मंगाएंगे तो आपका जो डीलर होगा वो आपके पास खुद पहुँच कर सैंपल आपके पास करवाएगा, मतलब सेट करवाएगा वो। तो दोस्तों हमने है ना तीनों एडहेसिव के बारे में आपको बताया, तो अब इसके है ना जो रैंकिंग है उसके बारे में भी बता देते हैं। जैसे सबसे पहले दूध, दोस्तों इसमें क्या है कि आप है ना जैसे बॉटम का दूध अलग आता है, फिटर का दूध अलग आता है, हर चीज़ का दूध अलग अलग आता है। अगर आप प्योर दूध लेंगे, प्योर सबसे पहले जो हाई रैंकिंग आती है प्योर दूध की, प्योर दूध क्या होता है दोस्तों, एकदम प्योर होता है वो चिपकाने के लिए, इसको दूध कहा जाता है। प्योर दूध जो होता है एकदम है ना प्योर होता है, उसमें क्या है कि पानी मिलाकर, जैसे है ना 1 लीटर में है ना 0.5 लीटर पानी मिलाकर उसे है ना यूज़ किया जाता है। और उसके बाद आ जाता है जैसे है ना मतलब कुछ है ना मिक्स मिलावट करके है ना उसको दूध को तैयार किया जाता है, तो वो क्या है कि सस्ता पड़ता है दोस्तों। आज की रेट में ना प्योर दूध लगभग 750-750 रुपये की गैलन है 5 लीटर। और जैसे हम यूज़ करते हैं डबल चीता, तो डबल चीता का जो प्राइस है दोस्तों लगभग 420 रुपये के आसपास होता है दोस्तों। और फिर उससे नीचे आ जाता है जो है ना लोकल में है ना मिक्स कर, जैसे क्या है कि वो ड्राम को ले आते हैं, ड्राम में क्या है कि आधा प्योर आधा पानी मिलाकर उसे मिक्स कर
उसे है ना अपने प्रॉफिट के लेवल पर बेचते हैं। दोस्तों फिर आ जाती है इसकी रैंकिंग। इसमें क्या है कि डल्लफ है, ये थोड़ा खाली है, खाली हो गया है क्योंकि कारीगर लगे हुए थे, खाली हो गया था। मैंने आपको एक बार है ना ब्रांडिंग दिखा रहा हूँ क्या क्या यूज होता है। तो जैसे जो इसकी जो रैंकिंग है, इसमें ना सबसे पहले आ जाता है बरगद का। लेकिन बरगद का क्या है कि अब है ना वो क्या कहते हैं ऊंची दुकान उसके फीके पकवान वाली बात हो गई है, क्योंकि उसका है ना मतलब है ना सलोचन वो डल्लफ है ना सही नहीं आ रहा है। तो अब हम जैसे यूज कर रहे हैं बजट प्लस को, तो इसमें ना ट्रिपल या ट्रिपल ट्रिपल एट के नाम से मतलब ट्रिपल के नाम से है ना सलोचन आता है, वो भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, और एरो फिक्स के नाम से आता है, वो सबसे सस्ती क्वालिटी का डल्लफ माना जाता है दोस्तों। और फिर आ जाती है सलोचन या प्यू जैसे जिसे कहते हैं। दोस्तों हम कर रहे हैं बॉन्ड स्टिक का प्रयोग, लेकिन क्या है कि कई जैसे ना जो जैसे कह सकते हैं जैसे फेमस ब्रांड इसमें सलोचन में या प्यू में तो बॉस्टिक का है दोस्तों। लेकिन बॉस्टिक का क्या है कि कुछ समय से है ना रेट है ना लगातार बढ़ाया जा रहा था, लेकिन है ना क्वालिटी तो चलो ठीक है, लेकिन उसके इक्वल में यानी हमें है ना उससे बेटर क्वालिटी मिल रही है और सस्ते दामों पर मिल रही है, तो ये उससे भी ज़्यादा बेस्ट माना गया। जैसे ना हमने यूज़ किया, 2 साल यूज़ कर रहा हूँ लगभग, और एक नंबर की क्वालिटी निकल के आ रही है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि एक तो बॉस्टिक हो गया, और फिर दूसरे नंबर पे ना जैसे बॉगनर भी आ जाता है, और क्या कहते हैं डेंड्राइड भी आ जाता है, और उसकी मैंने अलग अलग जैसे ना अब बॉस्टिक की बात करें तो 1712, 1732 हैं 1500 कुछ मतलब अलग अलग रैंकिंग है, इसमें भी अलग अलग रैंकिंग है। उसमें क्या होता है जैसे है ना आप है ना नंबर बढ़ाते जाओगे तो सलोचन है ना गाढ़ा होता जाता है दोस्तों। ये बेसिक नॉलेज है, इसमें क्या है कि जैसे ना आप है ना जैसे 1712 से 1732 लोगे तो उसमें क्या है 1712 पतला सलोचन होगा और 1732 है ना उससे थोड़ा गाढ़ा होगा, और ऐसे ही है ना आप जैसे ऊपर जाओगे तो और गाढ़ा होता जाएगा, मतलब उसकी है ना जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी और चिपकाने वाला लेवल भी बढ़ता जाएगा। ऐसे इसमें जितना पानी मिलता जाएगा उतना मतलब हल्का होता जाएगा, और जितना कम पानी मिलेगा तो उतना हैवी होता जाएगा। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के जो एडहेसिव थे जो शू मेकिंग में ना यूज में लाए जाते थे हमने आपको दिखाए। सबसे पहले था दूध, दूसरे नंबर पर डल्लफ, तीसरे नंबर पर सलोचन, और सबकी है ना हमने है ना कैटेगरी भी आपको बताई। और जैसे ना इसके है ना जैसे आप है ना अगर आगरा से हैं या कहीं बाहर से भी हैं, अगर है ना आप है ना ज़्यादा मात्रा में इसकी कैनियाँ लेना चाहते हैं तो आप हम नंबर भी दे देंगे, लेकिन वो नंबर आपको कमेंट पे दिए जाएंगे दोस्तों। और कुछ भी जैसे है ना बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं या बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं शूज़ के बारे में क्या चीज़ क्या कैसे होता है तो आप हमें है ना कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। और दोस्तों और ये हमारी वीडियो यहीं तक की थी, और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों हमारी इस वीडियो को कमेंट लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई व्यूअर क्या है कि वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन है ना हमारी वीडियो को है ना लाइक भी नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब तो पूछिए मत, लेकिन सब्सक्राइब ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जिससे क्या है कि हमें है ना आगे वीडियो बनाने के लिए है ना पॉजिटिव एनर्जी मिलती है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।